नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र विक्रम सिंह और आज आप देख रहे हो डुग्गर विरसा का एक एक्सक्लूसिव नया एपिसोड, जिसमें हमारे साथ एक बहुत ही खास पेशकश हमारे साथ बैठे हैं द सोल्जर स्टोरी टेलर मिस्टर विकास मनाज जी। ही हेज फ्रॉम भदरवा और आज हमें मिले हैं जम्मू में और आज हम जानना चाहेंगे इनसे इनकी लाइफ के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में। और जब भी मैं इनसे मिलता हूँ या जब भी मैं इनके बारे में पढ़ता हूँ तो दोस्तों मेरे अंदर से बहुत एक गूज़बम्प वाली फीलिंग आती है। वो मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी देर से मैं इनको देख रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि किस पेन से, किस फील के साथ ये अपने मिशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हाँ, तो आपको ज़्यादा बताने के लिए दोस्तों मैं ये भी बता दूँ कि सर पिछले 20 साल से अलग अलग मार्टियर फैमिली से मिल रहे हैं, उनके साथ जाते हैं, उनके साथ टाइम व्यतीत करते हैं, उनके दुख सुख को वो अपने साथ बांटते हैं, जिससे उन लोगों को भी बहुत सपोर्ट मिलती है। वो स्टोरीज हम जानते हैं उन लोगों की सर के थ्रू। तो सर मेरी नज़र में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं सोसाइटी में। ऐसे काम दोस्तों बहुत ही कम लोग करते हैं कि अपना कीमती वक्त और एनर्जी निकाल के एक सोशल कॉज के लिए अपना टाइम दे रहे हो। तो सर के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है और इसी के साथ मैं आज शुरू करना चाहूँगा इस इंटरव्यू को। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं जब भी आपके बारे में जानता हूँ तो मैं हमेशा आपको जानता हूँ एज अ स्टोरी टेलर, जो मार्टियर्स की स्टोरी सुना रहे हैं बहुत फील के साथ। लेकिन सर आपके बारे में हम बहुत कम जानते हैं कि जैसे हमने आपके ही सोशल हैंडल पे देखा है, आपकी बहुत कम पोस्टिंग्स है अपने बारे में। तो सर सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपका बचपन कैसा था, आप कहाँ पैदा हुए, वहाँ के हालात कैसे थे, आज वहाँ के हालात कैसे और आज आपका नज़रिया कैसा है अपने बचपन को लेकर। चलो अगर मैं कहूँ तो पहली बार किसी ने मुझसे ऐसा पूछा कि पर्सनल मेरे बारे में जानना चाहिए आपको। अभी आपने कहा कि मैं भदरवा को बिलोंग करता हूँ, तो मेरा जन्म भदरवा में ही हुआ था 1976। और एक ऑन द लाइटर नोट अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो गांव है विलेज नालठी भदरवा में है, तो मैं मेरे गांव से पहला एक वो था जो एक हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। उसे मेरे से पहले मेरे गांव में जितने भी लोग पैदा हुए तो वो सारे घर में ही पैदा हुए थे। सो आई वॉज द फर्स्ट वन जो हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। और जब मैं 4 दिन का हुआ तो अब मेरी मदर को डिस्चार्ज करना था, उन्हें वापस हॉस्पिटल आना था। तो कहा जाता है कि हमारे गांव से बड़े सारे लोग पहले तो यही देखने आए थे कि हॉस्पिटल में कैसा बच्चा पैदा होता है, और फिर जो वो पालकी नहीं होती जिसमें दुल्हन को बिठा के ले जाते हैं, अब वहाँ पे तो गाड़ियाँ वगैरह शायद उस टाइम पे शायद नहीं थी, तो एक पालकी में बिठाया गया था मेरी मदर को। मैं खैर उनकी लैप में ही था और वो गांव वालों ने उठा के हम लालठी आए थे। और एक फोटोग्राफ भी है हमारे घर में एक, वो जब वो गाँव वाले बड़े सारे लोग आए हैं और नीचे पालकी पड़ी है उसमें मेरी मदर बैठी है और मैं उसमें हूँ। तो ये चलो आपके माध्यम से आज ना जाने कितने लोगों को ये पता चलेगा कि आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम माय विलेज टू बी बोर्न इन हॉस्पिटल इन भदरवा। तो बचपन मेरा फिर समझो भदरवा से ही शुरू हुआ। मेरे माता पिता दोनों ये J&K स्कूल बोर्ड जो हमारा स्टेट एजुकेशन है उसमें टीचर्स थे। तो माय मदर वाज पोस्टेड इन किश्तवाड़ 1980। तो फिर हम जब मैं 4 साल का था तो मैं किश्तवाड़ चला गया। तो किश्तवाड़ में ही एक न्यू वेरा पब्लिक स्कूल उस टाइम पे था, अभी भी शायद होगा। तो स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, न्यू वेरा पब्लिक स्कूल से। तो 5th तक मैं उस स्कूल में पढ़ा। तो 5th में किसी कारणवश हमें जम्मू आना पड़ा। तो जब हम जम्मू आए तो जम्मू में बड़ा प्रोमिनेंट एक स्कूल अभी भी है, दीवान बद्रीनाथ विद्या मंदिर। तो वी केम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, हम अक्टूबर महीने में जम्मू आए थे। तो अब एडमिशन के लिए थ्रू मेरे डैड किसी को स्कूल में जानते थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सेशन के बीच में ही अब एडमिशन देना पड़ेगा, ऑल दैट स्टफ। तो अब मैं मेरी मदर के साथ स्कूल जाता हूँ। तो स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, दे सेड कि ठीक है हम इनका छोटा सा टेस्ट टाइप लेंगे, फिर देन इफ ही परफॉर्म्स तो हम इनको एडमिशन दे देंगे। ओके। तो प्रिंसिपल मैम के रूम में समझो हम बैठे थे, तो
तरसेम मैम, मुझे देखो नाम भी याद है, शी वॉज कॉल्ड, मैम आए तो उनको कहा गया कि आप इसे ले जाइए, इसका थोड़ा सा एक टेस्ट टाइप लीजिए, फिर हमें बताइए क्या फीडबैक है। तो मैम मुझे क्लासरूम में लेके जाती है, तो मुझे कुछ कुछ व्हाटएवर, अब तो मुझे याद भी, उन्होंने मुझसे क्या क्या डिस्कस किया, क्या क्या पूछा, दैट मे है वो 5-10 मिनट तक चलता रहा। उसके बाद जब हम वापस आए तो तरसेम मैम ने प्रिंसिपल मैम को ये बोल दिया, हाँ ही इज फिट टू बी गिवन एडमिशन इन 6th। ओके, जबकि प्रैक्टिकली हम 5th के लिए गए थे, okay. हमें 5th में ही एडमिशन चाहिए। ओके, हुआ क्या था, जब हम जा रहे थे तो क्लास ना मैम ने पूछी ना बताई गई। ओके, तो अब ये मिसकम्युनिकेशन था या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्या थी, जैसे ही उन्होंने कहा कि ही इज फिट फॉर 6th, मैं तो थोड़ा सा ऐसे चौंक सा ही गया, तो मेरी मदर ने भी कुछ नहीं कहा, एंड द स्कूल पुट अस इन द 6th क्लास। ओके ओके, और मैं अगर इसको एक अभी मैं चलो ये बात कहूँ, ये शायद मेरी फैमिली के बाद आज ये बात पहली बार बाहर आएगी। ओके, मैंने 5th के एग्जाम्स दिए ही नहीं क्योंकि हमारे वहाँ पे एग्जाम्स अभी होने थे, उससे पहले ही हम आ गए थे, तो अब चलो हम 6th में तो आ गए, तो अक्टूबर में शायद ये था, तो नवंबर में मैंने समझो क्लासेस शुरू की होंगी, तो फरवरी में ही एग्जाम हो गया उस साल दीवान बद्रीनाथ स्कूल में। तो बड़ी मुश्किल से मैंने वो पासिंग मार्क्स जिसे कहते हैं ना, कि चलो बस फेल नहीं हुए। ओके, सो इन 1 ईयर आई डिड माई 5th एंड 6th। फिर मैं जम्मू आ गया, फिर मैंने 12th तक मैं दीवान बद्रीनाथ विद्या मंदिर स्कूल में ही पढ़ा, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस स्कूल में भी। फिर उसके बाद मैंने GGM साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, फिर 3 साल ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन मैनेजमेंट किया, तो फिर वहाँ से वापस आके मैं और मेरे बड़े अच्छे दोस्त जो स्कूल में भी मेरे साथ पढ़े थे, कॉलेज में भी मेरे साथ, और हम एक ही लोकेलिटी में भी रहते हैं, मिस्टर सुधीर गुप्ता। ओके, तो देन वी बोथ ओपन ए इंस्टीट्यूट। ओके, एक इंस्टीट्यूट खोला गया, तो 5-6 साल मैंने भी उनके साथ वहाँ पे कंटिन्यू किया, वेयर वी यूज्ड टू टीच। फिर उसके बाद आई ऑप्टेड आउट और मैं दोबारा बाहर ये वो सब काम करने चला गया। सो नटशेल यही मेरी लाइफ की जर्नी है, बॉर्न इन भद्रवा, स्कूलिंग स्टार्टेड इन किश्तवाड़ जम्मू, बॉम्बे, टीचिंग एक्सपीरियंस एंड सब छोटा मोटा मेरा कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस। ओके ओके, तो सर एक बात तो चलो आज अच्छी हो गई कि मैं भी आपका GGM साइंस कॉलेज का जूनियर निकल गया। ओके, और आई फील ऑनर कि मैं अपने सीनियर का इंटरव्यू ले रहा हूँ जो कि एक इतनी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी भी बन चुके हैं।